जैन फ्रेंड्स, हम आज आप सबके लिए बिल्कुल लाइव सिखाने आ गए हैं कैसे स्कूटनी का फॉर्म भरना है, कैसे चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। मान लीजिए आप किसी भी साइबर कैफे पर नहीं जाना चाह रहे हो या आप सब जाने में असमर्थ हो, ठीक है, तो आप सबके लिए बिल्कुल कैसे घर बैठे फॉर्म भर सकते हो, अपने से ही, अपने ही मोबाइल से या अपने किसी भी लैपटॉप से आप सब भर सकते हो। बिल्कुल, जिसके पास फ़ोन है वो फ़ोन से भर सकता है, जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से भर सकता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा, कहीं भी एक भी पॉइंट मिस ना करिएगा जिससे दोस्तों आप सबको बिल्कुल न समझ में आए। कहां दोस्तों, कहीं दोस्तों आप सबको नहीं समझ में आएगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरा एक एक बातें आप सबको बताएंगे, कहीं भी डाउट नहीं रहने देंगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक एक बातें। सबसे पहले आप सब गूगल खोल लीजिएगा, ठीक है। गूगल खोलने के बाद वहां पर दोस्तों आप सबको सर्च करना है क्या, यूपीएमएसपी, क्या सर्च करेंगे, यूपीएमएसपी, ठीक है। ये यूपीएमएसपी क्या है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, नाम है ये यूपी बोर्ड का। अब देखिएगा इसको दोस्तों क्या करिएगा, सर्च करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सब सर्च करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यूपीएमएसपी का आ गया। ये दोस्तों क्या है, वेबसाइट है इसका, ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सब यहाँ पे देख पाएंगे upmsp.edu.in लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आप सबको दिव्यकांत शुक्ला सहित योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वहीं दीपक कुमार जो कि प्रमुख सचिव हैं, इन सब का दोस्तों आप सब फोटो भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे देखेंगे तो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ऊपर नीचे दसवीं, ऊपर दसवीं का है, नीचे आप सबका दोस्तों क्लास ट्वेल्थ वालों का है, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। यहीं दोस्तों ऊपर आप सबको एक स्कूटनी का, क्योंकि अभी कंपार्टमेंट का फॉर्म आया नहीं है लेकिन सेम ऐसे ही भरा जाएगा, तो आप सब देख लेंगे तो आप सबको पूरा चलान फॉर्म तो एक ही रहेगा, चाहे स्कूटनी का हो चाहे कंपार्टमेंट का हो, तो सेम इसी तरह से भरा जाएगा। अब देखिए प्यार बच्चों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो आप सब क्या करेंगे, स्कूटनी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आवेदन करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले दोस्तों क्या करिएगा, इसी पर क्लिक करिएगा। किस पे, आप सब इसी पे क्लिक करिएगा। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप सबको कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा आप सबके सामने। आई होप आप सब देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब आप सबको दोस्तों यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे क्लास टेंथ का दिया गया है, यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे देखिएगा, ये दोस्तों लिंक क्लिक करें, इसमें दोस्तों दिया है दसवीं और बारहवीं का, यहाँ कह रहा है जांच के लिए आप सब ऑनलाइन आवेदन, यहाँ से परीक्षा दोस्तों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है। जो आप परीक्षा दिए हो इसकी कॉपी को चेक करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है होगा आपको, आप सबको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आइए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से आप सबका पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आ गया यहाँ पर लिख के हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिका के संरक्षा, ठीक है, स्कूटनी का आवेदन, ऑनलाइन आवेदन। ये दोस्तों आप सबका है, ये 19/5/2023 तक रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्म को हम दोस्तों आप सबको पूरी बातें बताएंगे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप सबको दोस्तों कुछ इस तरह से, ये दसवीं का है, ये आप सबका बारहवीं का है, और दोस्तों ये कह रहा है आवेदन पुनः डाउनलोड करना हो तब दोस्तों यहाँ पे आप सब कर सकते हो, ठीक है, जब प्रिंट आउट निकालना होता है तब। और ये दोस्तों आप सबका पॉइंट जो है चालान का है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको इस पर बिल्कुल क्लिक करना है, सबसे पहले इसे भी क्लिक करके ये चालान फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप सबको कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। ये देखिएगा, आप सब लाइव देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से आप सबका चालान फॉर्म खुल के आ गया। देखिएगा ये आप सबका दोस्तों आप सबको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, धनराशि जमा करने के लिए चालान फॉर्म। समझ में आ रहा है आप सबको, तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों ये चालान फॉर्म है। इसको दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब भर लीजिएगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे भर लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक फोटो भी आप सबको शायद लगाना होगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो एक दोस्तों धनराशि जो जमा करेंगे दोस्तों वो है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे योग है, फोटो तो नहीं है दोस्तों, फोटो का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे धनराशि लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप सबको।
अब चलिए आपको यहाँ पे हम दिखा दें पूरा, ये आपका पूरा चलान फॉर्म है। अब उसके बाद दोस्तों देखिएगा, अब इसको जब फिल कर लेंगे, भर लेंगे, भरने के बाद अब अपने नज़दीकी किसी भी SBI बैंक में चले जाइएगा जो आपके नज़दीक हो, उस बैंक में जाकर आप सब आराम से वहाँ से चलान फॉर्म बनवा लीजिएगा, ठीक है। और चलान फॉर्म बनाएगा कौन, बैंक का जो मैनेजर होते हैं ना, ब्रांच मैनेजर, वही आप सबका चलान फॉर्म बनाएंगे, तो उनसे बनवा लीजिएगा, ठीक है। जब आप चलान फॉर्म बनवाएंगे, जिससे कि एक बच्चा है वो कह रहा है कि हम एक फॉर्म, एक सब्जेक्ट में फॉर्म भरेंगे तो एक का बनवा लीजिएगा 500 रुपये का, स्कूटनी का। दो जो भरना चाहता है, दो का बनवाएगा तो 1000 लगेगा, तीन का बनवाएगा तो 1500 लगेगा। जिसको जितने सब्जेक्ट में डालना है वो बच्चा उतने सब्जेक्ट का अपना बनवा लेगा चलान फॉर्म, ठीक है। बनवाने के बाद फिर पुनः वापस आप आइएगा कहाँ पर, अपने घर, ठीक है। आप जैसे नहीं जाना चाह रहे हो साइबर कैफे, तो अपने घर आ जाइएगा। उसके बाद करिएगा क्या, फिर वही चीज़ खोलिएगा जो अभी आपने खोला था। तो चलिए हम बैक चलते हैं, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं हम बैक आ गए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, अब आप सबको क्या करना है कि अब तो हमको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब मान लीजिए हम दसवीं की, हम दसवीं बारहवीं, मान लीजिए हम दसवीं में हैं, देखिए दसवीं को हो या बारहवीं को हो, दोनों का फॉर्म एक ही जैसा है, बस बता दे रहा हूँ। तो आप सब क्या करिएगा, मान लीजिए हम दसवीं का हैं, हम एक बच्चे का बता दे रहा हूँ, तो सेम वैसे फॉर्म है क्लास ट्वेल्थ वालों का, वैसे आप सब भी भर लीजिएगा। चलिए दसवीं वालों पर हम क्या करेंगे, ये हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल का हम क्लिक कर लेते हैं, बारहवीं में दोस्तों जो बच्चे हैं वो बारहवीं का क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हाई स्कूल पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, कुछ इस तरह से प्यारे बच्चों आप सबका देखिए खुल के आ गया, ठीक है। अब आप सबका ये खुल के आ गया। अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मांग रहा है 10 डिजिट का रोल नंबर, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखिएगा, जन्म, परीक्षार्थी का जन्म तिथि और परीक्षा का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। अब हमको तो भाई नहीं पता है, तो चलिए हम इसके लिए हम एक बच्चे का लेकर बैठे हैं, यानी आप सबको हम यहाँ पे दिखाएंगे कैसे भरना है। सबसे पहले हम एक बच्चे का डाल दे रहे हैं रोल नंबर, देखिए क्या है उसका नंबर, 1232, उसके बाद आप सबको बता दें 8373 24, ये इसका रोल नंबर हो गया। अब प्यारे बच्चों हम आपको इसको थोड़ा सा नीचे आएंगे थोड़ा सा, अब इसका डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 17 अगस्त, ठीक है, 2005 है, यानी 17/8/17। उसके बाद इस तरह से दोस्तों आप सबको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आप सबको थोड़ा बता दूं, आप सबको इस तरह से डंडी डालना है, याद रखिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, इस बात को मैं आपको समझा दूं, एक मिनट में बैक जाता हूं आपको दिखा के समझा दूं। जैसे कि आप सब यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए डंडी इसमें लगा हुआ है, पहले डेट है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप सबको देखने को मिल रहा होगा डेट है, फिर मंथ है, उसके बाद ईयर है, ये डंडी ऐसे से लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको भी डंडी लगाना होगा, याद रखना, नहीं खुले उलेगा नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम डेट ऑफ बर्थ इसका बच्चे का डालते हैं 17, ठीक है। उसके बाद आप सबको बता दे 8वां महीना था, ठीक है, उसके बाद 2005 में, ठीक है, ये बच्चे का जन्म हुआ था। चलिए इस तरह से करने के बाद प्यारे बच्चों आप सब क्या करिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर आइएगा, तो इस तरह से देखिए दोस्तों गेट डाटा है ना, ये देखिएगा रोल नंबर भरें। अब यहाँ पर नीचे आप सब देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों ये, ठीक है। अब हम जैसे इस पे दोस्तों क्या करेंगे, क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये गेट डाटा है, तो हम क्या करेंगे इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों देखिएगा कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, क्या खुल के आएगा, फॉर्म। चलिए वेट कर लेते हैं फॉर्म कब तक खुलता है, फॉर्म जल्द से जल्द आप सबका खुल जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा आप सबका फॉर्म खुल गया, कुछ इस तरह से आप सबका पेज खुल के आ जाएगा। अब देखिए इस बच्चे का पूरा भाई साहब चलान फॉर्म यहाँ पे आ गया, देख रहे हो ना, ये देख रहे हो इस तरह से इस बच्चे का पूरा चलान आ गया है। अब ये बच्चा क्या कर सकता है देखिएगा, अब यहाँ पे पूरा व्यवस्थित तरीके से भाई साहब दिया हुआ है। जैसे देखिए हिंदी में यदि आप फेल हो गए, थियरी में होंगे हिंदी के तो आप सब इस पर टिक करिएगा, यदि आप सब प्रैक्टिकल में होंगे तो आप सब इस पर करिएगा, यदि आप इस पर दोस्तों आप सब यहाँ पे कुछ फॉल्ट है तो दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों इनमें से जिसमें आप फेल होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे, उस पर आप सब टिक करिएगा। इस तरह से इंग्लिश का भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, इसका किसी भी दोस्तों सब्जेक्ट का है, आप सब जिसमें आप सब फेल होंगे उस पर कर दीजिएगा। अब चलिए हम जैसे दिखाता हूँ, जैसे हम दोस्तों इस पर पहले ही हिंदी वाले पर टिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से टिक बन जाएगा। मान लीजिए इंग्लिश का मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल में फेल हूं तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप सब क्या करना है, टिक करना है जिसमें आप सब फेल हो,
तो हो गया दोस्तों कंप्लीट बातें। अब देखिए, अब आप सबको हम बता दूं प्यारे बच्चों, जो भी आप सबको करना है इसमें ऐसे टिक लगा सकते हो, जिसमें भी आपको लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आप सब क्या करिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा। अब देखिए यहाँ पे अपने आप देखिए 4500 रुपये ले लिया। क्यों? क्योंकि 4500 का चलान इसको चाहिए, क्योंकि कितने में आप टिक मार दिए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ पा रहे हो, 8 में आप सब मारे हो, इसलिए दोस्तों आप सबका कितना हो जाएगा ये 8 × 5 = 40, ठीक है। कितना दोस्तों, 40 और एक यहाँ पे 45 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल है, 9 × 5 = 45, 4500 रुपया दोस्तों यहाँ पे ले लिया। देखो क्योंकि एक का कितना लगता है, 500 लगता है, तो इस तरह से 4500 ले लिया। लेकिन जैसे बच्चे क्या करेंगे, एक ही दो का बनवाएंगे ना बच्चों, यानी एक ही दो का आप सब बनवाएंगे, एक सब्जेक्ट का या दो सब्जेक्ट का, ऐसे होगा तो आप सबका 2-3 रहेगा। तो इस तरह से देखिए 1000 रुपये आ गया। तो जितना आप सब बनवाए रहेंगे उतने का आप सब सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा। अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप पूछ रहा है कि कितना आप धनराशि जमा किए हैं, तो 1000 जमा किए तो 1000 लिख दीजिएगा, 1500 जमा किए हैं 1500, 500 जमा किए हैं तो 500। ऊपर चालान संख्या दोस्तों जो होता है, चालान नंबर रहेगा, उसको दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। जो आप चालान बनवा के आएंगे तो हमें चालान नंबर रहेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ट्रेजरी का शुल्क जमा करने की तिथि, आप किस दिन ट्रेजरी जमा किए हैं दोस्तों, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। मान लीजिए आज के डेट में आप सब जमा किए हैं, तो आज क्या है, आज 2 तारीख है, तो 2/5 और 2000 क्या करेंगे दोस्तों, 2023, ठीक है, आप सब यहाँ पे डाल देंगे, इस तरह से आप सब यहाँ भर देंगे। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा ट्रेजरी बैंक का नाम, मान लीजिए आप SBI में बनवाए हैं तो आप SBI का डाल दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप SBI में जाइए, सबसे बेहतर SBI ही रहेगा आप सबके लिए, आराम से वहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ भर के उसके बाद यहाँ दोस्तों स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे आइएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है चालान का स्कैन कॉपी अपलोड करें यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आप सबको, यही दोस्तों इस पे जब क्लिक करोगे प्यारे बच्चों आप सब, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करेगा, चालान कॉपी मांगेगा, तो उसका पहले से फोटो खींचे रहिएगा, इसी पे दोस्तों क्लिक करके आप सब क्या करिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, इसी पे। उसके बाद दोस्तों क्या करिएगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा। जब इतना करने के बाद दोस्तों आप सबको लास्ट यहाँ पे मिल जाएगा सेव स्कूटनी एप्लीकेशन, तो इस पर दोस्तों क्या करेंगे आप सब, टिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों इस पर टिक करेंगे तो आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा, वहां से धीरे से एक ठो प्रिंट आउट नीचे निकालने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, प्रिंट आउट निकालवा लीजिएगा जाकर किसी भी जगह पर दोस्तों, साइबर कैफे पर या कहीं भी दोस्तों जहाँ प्रिंट आउट निकाल देते हो, यदि आपके पास प्रिंटर है तो आप सब वहीं से अपने से ही निकाल सकते हो। निकाल के आराम से दोस्तों क्या करिएगा, उसका फोटो कॉपी और एक दोस्तों चालान फॉर्म वो लेकर दोस्तों दोनों का क्या करिएगा, एक जाके स्कूल में साइन मोहर करवा के एक लिफाफे में डाल के अपने जो क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, नहीं पता होगा दोस्तों वीडियो देख लीजिएगा, हम डाल दिए हैं अपने जिले का क्षेत्रीय कार्यालय, पहचान लीजिएगा, ठीक है, उसमें पूरा हम अच्छे से बताएं कि जिले का कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, या अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो आप सब क्या करिएगा, अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्पीड पोस्ट, ठीक है, बाई डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, वो सीधे क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साधारण पोस्ट ना करिएगा, स्पीड पोस्ट करिएगा, 10-15 रुपये लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, आराम से पहुंच जाएगा निर्धारित समय पे, ठीक है। तो आप सबको दोस्तों इस तरह से आप सबको करना है, और हाँ आप सबको दोस्तों 19 मई के पहले डाल देना है, ठीक है, ये स्कूटनी का कंपार्टमेंट का आएगा, तो कंपार्टमेंट का भी दोस्तों निर्धारित समय से पहले कर दीजिएगा, ओके। और हाँ दोस्तों आप सबको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप सब एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा, चैनल पे प्यारे बच्चों नए हो तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। जो बच्चा इस बार बिल्कुल कम नंबर पाया है, या जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, या जो बच्चा जो फेल हो गया है, क्योंकि दोस्तों ये आप सब दूसरे का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, कहीं ना कहीं दोस्तों वह बच्चा परेशानी है जो फेल हो गया है, तो प्लीज़ उसका मदद करिए, और जिसका नंबर भी कम है उसका भी मदद करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए दोस्तों एक कदम दूसरे का हेल्प करने की ओर, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए प्रेम पूर्वक दिल गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, भारत माता की जय।